नागौर जिले के पांचोड़ी थाना इलाके के दातिना गांव में पिछले दिनों एक युवक का अपहरण करके उसके साथ गंभीर मारपीट की गई। युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था वह निर्दोष निकले। पुलिस ने अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी फरार है। दरअसल नागौर जिले के दातिना गांव में पिछले दिनों मृतक जीतू की आपसी रंजिश और रास्ते के विवाद के चलते गांव के सरपंच मूलाराम और उसके भाई उमाराम मेघवाल ने पहले अपहरण किया और उसके बाद गंभीर मारपीट कर सुनसान इलाके में फेंक दिया। इलाज के दौरान जीतू सिंह की मौत हो गई। पांचोड़ी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी उमाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी उमाराम से पूछताछ की तो आरोपी उमाराम मेघवाल ने बताया कि उसका भाई वर्तमान सरपंच है। जीतू सिंह विपक्ष के साथ मिलकर भाई सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। उसी दिन से उन्होंने जीतू सिंह को सबक सिखाने का मन बना लिया। जीतू सिंह को उसने उठाया और उसके साथ गंभीर मारपीट की और फिर गांव के बाहर सुनसान इलाके में फेंक कर चले गए। डीवाईएसपी ओम प्रकाश गोदारा के अनुसार आरोपी उमाराम मेघवाल ने बताया कि उसका भाई मूलाराम मेघवाल फिलहाल उसके गांव का सरपंच है। जीतू सिंह विपक्ष के साथ मिलकर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था और उसी दिन से लेकर आज तक उन्होंने जीतू सिंह को सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश कर रहे थे। उनके कई दिनों से रास्ते का विवाद भी चल रहा था, कारण जीतू सिंह को उन्होंने उठाया और उसके साथ गंभीर मारपीट कर डाली और सुनसान इलाके में फेंक कर चले गए। जीतू सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।